हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड जी के अड्डा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड DLED परीक्षा 2020 की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस यहाँ पे बताने वाला हूँ। किस तरह कितनी इसमें कैसे सिलेबस है, कैसे हमें इसके लिए पढ़ना चाहिए, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आज से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सिलेबस की, जो कि हमें सबसे पहले, हमें किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम देने के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए उसका सिलेबस। सिलेबस में आपको अगर मैं बता दूँ, सामान्य ज्ञान, इसमें जो जनरल नॉलेज आता है वो हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। और उसके बाद जो है इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। और गणित यानी कि मैथ्स की बात करूंगा, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के 50। इस तरीके से हमारे पास 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि हमें 200 मार्क्स के ही होंगे। ठीक हो गया, कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 मार्क्स के ही होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। अगर मैं बात करूँ इसके लिए टाइम कितना होगा, तो हमें दिया जाएगा इसके लिए 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट हमें यहाँ पे मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमें 2.5 घंटे में हमें कितने 200 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 200 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। क्यों करने हैं पूरे? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें अगर बोलूँ मैं तो नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो हमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए इसकी थोड़ा जो है कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा रहती है इसकी कट ऑफ। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, अभी मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज की बात करूँगा, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसके बारे में क्या, देखो इसमें हमें पढ़ना होगा, हमें हिस्ट्री पढ़नी होगी, इतिहास पढ़ना होगा हमें, भारत का इतिहास, पॉलिटी हमें पढ़नी पड़ेगी इसमें लिए पॉलिटिक, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भूगोल पढ़नी होगी, साइंस भी हमें पढ़नी होगी इसके लिए, और करंट जो मिसलेनियस विविध, जो कि हमारे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसमें करंट अफेयर भी आती है, कुछ स्टेटिक्स भी आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जनरल नॉलेज अपने 50 मार्क्स के लिए हमें ये पढ़ना होगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति रीजनिंग की अगर बात करूँ, 50 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। और इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और क्लोक हो गया, कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड डाइसेस हो गया, मिरर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, पजल, सिलॉजम एंड सीक्वेंस एंड फिगर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर होते हैं, बहुत इजी तरीके से। मैं अगर आपको बताऊं रीजनिंग में आप 50 में से आउट ऑफ 45+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स में हमारे ये चैप्टर आएंगे, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सीरीज, रेशियो, सीआईएसआई, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं जिसको, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटीग्रेशन, ये सारे। इसके अलावा भी कुछ और चैप्टर भी हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, इसके अलावा मेरे पास कंप्लीट सिलेबस है, हम पूरा यहाँ पे इसको डिटेल से करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो आती है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि, इसके भी 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, बहुत ही सिंपल टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए हमें एक अच्छे टीचर की सोच क्या होनी चाहिए उस हिसाब से इसके क्वेश्चन पूछे जाएँ, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैंने इसकी अगर स्टडी करी है, इसका जो पेपर का जो पैटर्न रहता बहुत ही इजी रहता, बहुत ही इजी पेपर इसका आता है, जिसके अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें पूछता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कभी डीप डेप्थ में जाके नहीं क्वेश्चन करता है। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि जैसे कि जो जो डेटेड वाले क्वेश्चन होती हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, उसमें दे देगा 1526, ऐसे कुछ उसमें डेट वाले दे देगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ऐसी चीज़ें पूछेगा ये। इस सिंपल मतलब एक फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, डीप डेप्थ में नहीं जाता है, बहुत सिंपल सिंपल। तो जी आपका जो है सामान्य ज्ञान में, जो आप अपने जनरल नॉलेज में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करूं, तो मैं अगर आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ पूरे इस सीरीज में जुड़े, इस जो मैं यहां पे बताने वाला हूं, इसके पूरे चैप्टर में अगर यहां पे करवाता हूं, अगर आप पूरी ईमानदारी से उन सबको करेंगे, तो गारंटी है आप इस रीजनिंग में जो है
45+ आप यहाँ से ला सकते हो, गारंटी के साथ में कहता हूँ, 50 में से 45+ यहाँ पे आप रीजनिंग में मार्क्स ले आओगे। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ आपका जो है 50 मार्क्स का है, इसमें ये सारे चैप्टर आते हैं। और इन चैप्टर की मैं बात करूँ, जो बेसिक बेसिक वाले जो इनके कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको देते हैं। इसमें ये मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद मैं ये चीज़ आपको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अगर आपकी बहुत कमज़ोर है मैथ्स, तब भी आप इसमें बहुत अच्छी मेहनत करके आप इसमें फिर भी 40+ मार्क्स आप इजीली यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, जो पहली बार दे रहे होंगे उनको शायद नहीं पता होगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं जो सबसे पहले आपके सामने इस जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें मैं यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे उसमें लेके आऊँगा, पूरा जो प्रीवियस ईयर में पूछा, लास्ट ईयर का जो पेपर रहा होगा इसका पूरा, उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, पूरा सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर। तो शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है आपके बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपने बस अपना एक बेस्ट टीचर जो है वो किस तरीके से सोच रखता है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इस पर भी मैं आपको, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, इसमें भी आप आराम से ईजिली जो है 45+ आप मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जीएस की, जो जीएस में जो आपका ये जनरल नॉलेज है, इसमें आपका सिंपल कंसेप्ट ये है जो बेसिक है सभी के लिए, अगर टफ क्वेश्चन बनते हैं सभी के लिए ईजी होते हैं। इसमें अगर आप बहुत नहीं भी हैं तो आप कम से कम जो है 35 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। इस तरीके से अगर हम टोटल आपको देखेंगे तो 40, 45, 90 और 40, 175 आपके होते हैं। इस तरीके से अगर आप इसकी अपनी तैयारी करते हैं तो इस तरीके से आपके 170 मार्क्स यहां से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपकी कट ऑफ इसके इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी कभी नहीं जाने वाली है। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ फ्रेंड, तो जो जनरल की कट ऑफ है, अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, जनरल की जो कट ऑफ है वो जो है मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालिसिस किया है सारे प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ रही है उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो जो जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है 162 से 168 के बीच में रहती है। अगर मैं पहले की बात करूँ इनके बीच में रहती है, तो लगभग जो अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो 155 इसकी कट ऑफ गई थी। तो देखिए फ्रेंड, आपको कट ऑफ के हिसाब से नहीं चलना है, आपको इसका बेसिक देखना है, हमें उससे अपने आप को सेफ स्कोर, आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, मतलब आपको क्या है 162 से 168 जो मैंने आपके लिए बनाया है इसके बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने का। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 162 से 168 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। लास्ट ईयर की बात करूँ तो 155 आपका आपको नहीं है, मतलब आप आर्ट्स आर्ट बैकग्राउंड के हैं या आपका साइंस है या हिंदी से या इंग्लिश का आपको नहीं मतलब, आपको बस ये देखना मेरे को जो है 162 से 168 के बीच में मार्क्स लाने हैं किसी भी हाल में, फिर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। देखिए अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी को लगभग जो है 155 से 162 के बीच में आपको अगर मार्क्स लेके आने हैं आपका ये टारगेट होना चाहिए, आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। और अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर जो इसकी 150 इसकी कट ऑफ गई थी ओबीसी की। अगर मैं बात करूँ एससी की, तो अगर एससी जो है 135 से 145 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं आपके, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो 132 आपकी कट ऑफ रही थी एससी की। एसटी की बात करूँ तो सेम है 132 145, वो 132 140, और अगर लास्ट की बात करूँ तो 132 आपकी भी कट ऑफ रही थी। सेम चीज़ है अगर अगर मैं इसमें वुमेन की बात करूँ, तो वुमेन के लिए यहाँ पे जो है सिर्फ 5-5 मार्क्स आप अपने थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर 162 आपका जनरल का है, अगर जनरल की वुमेन है तो आप अपने 5 मार्क्स कम कर सकें, यानी कि यहाँ से आप तीन, तो 157 आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए। तो आपको ये नहीं देखना कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही है, हमें क्या है, आप अपना टारगेट बनाइए, आप सिर्फ जो है इनके बीच में अपने टारगेट सेट करें जिस जिस कैटेगरी में आप हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, तो आपको 155 से 160 बीच में आपके मार्क्स आने ही चाहिए, तो आपको बिल्कुल सेफ है। आप देखेंगे ये लास्ट ईयर की कट ऑफ ये नीचे है, मैंने आपको थोड़ा, क्योंकि ये घट बढ़ भी सकती है, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आपका कट ऑफ का क्लियर हो गया, आपको अपना टारगेट किस कितना रखना है ये चीज़ डन हो गई। इसके अलावा आपको मैंने फिर से बताया, आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे मैं आपको स्पेशल
हर एक सेशन में पूरे डिटेल के साथ, एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो दो वीडियो में यहाँ पे कवर करूँगा, हर एक चैप्टर को पूरे डिटेल के साथ करेंगे। जो ये लॉकडाउन है इसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, अच्छे से इसको, आपको टाइम मिला है, आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं अपनी स्टडी के लिए, आपको टाइम भी मिला है, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो जीएस की बात करूँ, इसके लिए मैं आपको नोट्स भी दूंगा विद पीडीएफ भी आपको दूंगा, तो आप आराम से उसी से पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से अच्छे अच्छे क्लियर हो जाएगा इजीली। बाकी आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमारे साथ कंटिन्यू बना रहना होगा, इससे आपका पूरा जो ये चीज़ें हैं लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अगर इसमें आपका अच्छा कर लेते हैं तो बहुत ही आपका अच्छा स्कोर यहाँ से हो जाएगा, ठीक हो फ्रेंड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अगर मैं शिक्षण अभिरुचि की यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आपको इससे एवरेज लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्या हम इसको कर पाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। कक्षा अगर शिक्षक में जो कक्षा शिक्षक है, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब क्लास में एक टीचर है उसको बच्चों का जो इंटरेस्ट क्लास में बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, ऑप्शन दे रखा है जो है श्यामपट्ट जो होता है, ये बोर्ड होता है, जो जो ये बोर्ड है श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है यथार्थ जीवन के उदाहरण उदाहरण का भरपूर प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है इसमें जैसे शिक्षण शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, और डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना। देखिए फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, शिक्षण अभिरुचि में। क्या बोला है, कक्षा जो शिक्षक है, जो कक्षा में टीचर है, में छात्रों की रुचि, मतलब क्लास में जो है छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ताकि क्लास में उनका इंटरेस्ट बचे रहे। क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, जो बोर्ड है उसका अधिक प्रयोग करना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अधिक प्रयोग करने से बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ी बनेगा, ठीक है। क्या करना चाहिए, शिक्षण सामग्री का अधिक प्रयोग करने से, जो हमारे पास टीचिंग जो पढ़ाने वाले उन सामग्री का अधिक प्रयोग करने से मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, ज़्यादा अगर आप प्रयोग करते तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ी बनेगा, बच्चों को तब भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर, चर्चा का अगर भरपूर अवसर देंगे तो पूरी मस्ती करेंगे क्लास में, ना कि इंटरेस्ट जगाएंगे, तो ये भी नहीं। यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग करें, अगर आप उनकी जीवन की उनको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बोलेंगे कि आप जो बच्चे हैं आप लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उन्हीं के जीवन काल की उनकी एग्जाम्पल दें कि आप जब क्लास में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ भी तरीके से आप उनको उनके जीवन की एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे का जो क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इनके भी मैं क्लास आपको दूंगा पूरे, इस तरीके से हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे, इसके बाद मैं आपके सामने जो लेके आऊँगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी यहाँ पे, जैसे ये मैथ्स के पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, रीजनिंग के सारे, और जीएस के भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के भी हम पूरी यहाँ पर समझेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं फ्रेंड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके आपको ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम अभी पूरा है, तो आप आराम से हमसे जुड़े, हम पूरी ये चीज़ें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा आपका। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, जरूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।